तो आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपने गांव में हूं और सुबह में मैं जा रहा हूं टॉयलेट करने के लिए। देख रहे हैं ना आप लोग, तो मैं दिखाऊंगा यहां पे बजरे की काफ़ी अच्छी फसल है। देख रहे हैं ना, बजरे की काफ़ी आपको अच्छी फसल दिखेगी। और ये मेरा घर है, तो मैं अब जा रहा हूँ, मतलब लैट्रिन में जा रहा हूँ भाई। थोड़ा गाँव में जब रहते हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, बाहर के लिए चाहते हैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक में। और बच्चा एक जा रहा था पढ़ने के लिए कोचिंग, तो मेरा ये डब्बा है, बॉटल है। और मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि सुपर फूड बजरा की आपको दिखाऊंगा फसल, खास करके बजरा बिहार में कैसे होती है। स्पेशली हमारे गोपालगंज में बजरा की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, देख रहे हैं ना। तो ये है बजरा, जिसको हम लोग मिलेट बोलते हैं, देख रहे हैं ना। यही लोग पहले खाते थे, जिसको हम लोग सुपर फूड, अभी इसको सुपर फूड का नाम दे दिया गया है। और वीडियो थोड़ा अच्छा क्वालिटी नहीं है क्योंकि मेरा कैमरा अच्छा साफ़ नहीं है सुबह में। और ये है जिसको हम लोग मचान बोलते हैं, देख रहे हैं ना। तो चलिए हम इस पर थोड़ा सा डब्बा को अपने रखते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। मतलब ये आप देख रहे हैं ना, ये इसको मचान बोलते हैं, जिसको जो हमारे बाबा लोग हैं वही बैठते हैं और सोते हैं भी है इसको रात में। जो घोपड़ास और नीलगाय होते हैं ना, जो चिड़िया उड़िया खाती है, तो इसी को देखा जाता है। तो देखिए मैं इस पे बैठ रहा हूँ, अभी कोई बच्चा उच्चा तोड़ दिया है, तो हम इस पे बैठ रहे हैं थोड़ा सा और आपको दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ना, अभी तो पूरा ये कट गया है, इसमें लगा रहता है वोल्टेज, क्योंकि ये पक गया था, चिड़िया सब खा रही थी। तो चलिए हम चलते हैं। और इसमें घेवड़ा तिरोई भी लगा दिया जाता है, देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें घेवड़ा तिरोई। तो थोड़ा आगे हम चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को डब्बा को थोड़ा अच्छा से मैं कर लूँ, पकड़ लूँ। देखिए, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ये फसल दिख रहा है ना आप लोग को, परसों ये काटा जाएगा इस फसल को, इसको काट लिया गया है। और इसमें तरोई भी बोया जाता है, घेवड़ा, तरोई, नेनुआ, इसमें मतलब दो तीन फसलों को यूज किया जाता है। सब्जी भी लगा लिया जाता है इसमें, सुपर फूड पहले यही लोग किसान खाते थे, जिसकी वजह से वो लोग इतना ज़्यादा दिन तक जीते थे, देख रहे हैं ना। तो ये जो देख रहे हैं ना, जो हमारे एरिया में जो दो ही व्यक्ति मतलब ये बोते हैं सुपर फूड बजरा मल्टाउन, एक उपेंद्र और एक जगदेव मुखिया, दो ही बोते हैं हमारे जगदेव बाबा, एक बोते हैं। और तिरोई देख लीजिए, तिरोई भी आपको दिखा दे रहा हूँ, फरा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। ये सब्जी है, नेनुआ जिसको बोलते हैं। और ये है उपेंद्र का खेत का है, देख रहे हैं आप लोग, ये सुपर फूड है। और भी दिखा दे रहा हूँ कितना सुपर फूड है इसमें। देखिए सुपर फूड, देखा आप लोगों ने, इसको बाजरा बोलते हैं हम लोग। तो भाई किसी को बाजरा अगर ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये बाजरा सुपर फूड है, समझ रहे ना। ये खाने से होता है कि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीनियस होता है ये सब। तो आप लोग जिनको भी खरीदना है मतलब ख़रीद सकते हैं बजरा। कभी भी आप लोग को अगर ज़रूरत पड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज में, किसी भी व्यक्ति को बजरा ज़रूरत पड़े मल्टाउन का, तो गोपालगंज में बघौच है, वहाँ पे आ सकते हैं और पूछिए जगदेव मुखिया और उपेंद्र शाह या गुड़ जी का घर कौन है, उनके पास आप लोग को कहीं भी मिल सकता है कभी भी बजरा मल्टाउन। तो मैं अब जा रहा हूँ टॉयलेट करने के लिए, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो वीडियो मेरा फुल हिंदी में ही रहा, और इंग्लिश में भी मैं बनाऊंगा, जिसको इंग्लिश सबटाइटल चाहिए इंग्लिश में सबटाइटल मैं ऐड कर दूंगा।
स्वप्न तू रख बाहो ले लो क्या सुगा उगा कहीं का साथ है घरे लो काटो देखबे लाल बोल खल्ला लाल तू रखवा हन ले लिंग है हां कांचे बा हल्का देख हई देखो बोल बा काटो Hello, good morning to all of you. Today, I will show you the Indian crop, especially village, what farmers they grow in their fields. So, especially मेरा वीडियो आज हिंदी में ही टोटल रहेगा तो मैं दिखाऊंगा कि मतलब बिहार में स्पेशली गोपालगंज में कैसे किसान लोग अपना बजरा माल्टा उनकी खेती करते हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं ये मचान है तो हमारे स्पेशली जो हमारे दो ही एरिया में दो ही व्यक्ति खेती करते हैं खासकर एक जगदेव मुखिया जो हमारे बाबा हैं और दूसरा है उपेंद्र शाह दो ही व्यक्ति मतलब बजरा माल्टा उनकी खेती करते हैं ये सब ये खेती आप देख रहे हैं ना यही सब खेती उन्हीं लोगों का दो ही आदमी करते हैं ये एक करेंगे उपेंद्र और दूसरा करेंगे जगदेव मुखिया जो जगदेव मुखिया मेरे बाबा है तो मैं ये मचान है मैं आप लोग दिखाता हूँ कि ये मचान इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस पर मतलब देख इस पर बैठ के देखा जाता है कि कोई नीलगाय कोई बड़ा जानवर आके फसल को नहीं खा रहा जैसे चिड़िया भी आती है तो यही से बोलते हैं वो लोग तो ये मचान है अभी तो काट लिया गया है थोड़ा बजरा माल्टा उनको काट दिया गया समझ रहे हैं ना तो बजरा माल्टा उन तो कम ही है इस पर क्या करते हैं सोते भी हैं क्या करते हैं लोग सोकर मतलब रात को सोते हैं स्पेशली जब नीलगाय उलगाय रहती है तो अभी तो नीलगाय है नहीं तो मैं अभी थोड़ा आया हूँ आप लोग को दिखा रहा हूँ वीडियो कैसा है देखिए अभी रुक जाइए मैं आप लोग अंदर भी